तो मैंने आरती से कहा कि इन सारे सवालों का जवाब तुमसे बेहतर और कौन दे सकता है। आखिर आज बता दो क्या जवाब है इन सारे सवालों का। राधा जी प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। आपके इन जवाबों पर मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। आरती मैं श्लोक को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जहां तक मैंने उसे समझा है वहां तक वो बहुत ही अच्छा और दिल का सच्चा इंसान है। एक लड़की की जो भी उम्मीदें होती हैं वो सारे गुण श्लोक में हैं। कुछ कमजोरियां हैं वो वही करता है जो उसका दिल चाहता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि वो सही है या गलत। थोड़ा जज्बाती है इसलिए अपने सारे ख्वाब पूरे करने की इच्छा रखता है, वो भी जो पॉसिबल ना हो। आरती तुम बहुत समझदार लड़की हो, शायद श्लोक से भी ज्यादा। आरती हमारी संस्कृति में रिश्ता दो आदमियों के बीच नहीं दो परिवार के बीच बनता है, और यहां भी दो परिवारों ने मिलकर ही तुम दोनों की डोर बांधने का फैसला किया है। क्या सारे अरेंज्ड मैरिजेस समझौता ही होते हैं? और श्लोक अगर बाबा के फैसले से सहमत हुआ है तो किसी मजबूरी में नहीं? उसे भी तो तुम्हारे जैसी लड़की मिली है जो इतनी सुशील है सुंदर है। सचमुच बहुत खुशनसीब है श्लोक। मैं जानती हूं तुम दोनों अभी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन जरूरी तो नहीं हर रिश्ता प्यार से शुरू हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जहां प्यार हो उसका अंजाम सिर्फ शादी हो। और ये रिश्ता सारे बड़ों के आशीर्वाद से शुरू हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम दोनों पर इतना भरोसा है कि तुम दोनों इस परिवार की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे, है ना श्लोक? और जहां तक तरस खाने की बात है तुम निश्चिंत रहो, श्लोक ऐसा इंसान नहीं है जो किसी पर तरस खाकर शादी करे। वो एक लड़की की गरिमा को बहुत अच्छी तरह जानता है और ये भी समझता है कि उसे कैसे रिस्पेक्ट करना है। बस राधा जी मिल गए मुझे मेरे जवाब, और आपके आखिरी शब्दों ने तो मुझे सब कुछ समझा दिया। अब तसल्ली हो गई मुझे, श्लोक ने सही कहा था, मेरे इन सवालों के जवाब आपसे बेहतर तो और कोई दे ही नहीं सकता। मेरे मन में जो हिचकिचाहट थी सब दूर हो गई। अब इस रिश्ते की तरफ बढ़े हुए कदम हिचकिचाएंगे नहीं। थैंक यू राधा जी, थैंक यू वेरी मच।